नमस्कार, मैं मयंक रंजन, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम पहुंचे हैं रायपुर पश्चिम के टाटीबंध इलाके पे, जहां पर हम जानेंगे कि विधायक जी ने 5 साल में कितना विकास किया अपने क्षेत्र पे। आइए हम सीधा ले चलते हैं यहां के जनता पर। इस क्षेत्र के विधायक ने 5 साल में अपना क्या काम किया कुछ बताइए। फोटोबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया अभी तक तो। फोटोबाजी के अलावा तो आने वाले अभी आगामी चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहे हैं। आप परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो निश्चित है भाई। और काम के बारे में बोले तो समझ लो कि वही पुरानी सरकार जो काम की थी उसमें ये लोग अपना चेहरा और अपना नाम लिखवा के बस इतना ही है। चाहे कहीं पास भी देख लो पश्चिम में, वैसे देखा जाए तो पश्चिम बहुत ही आगे है बाकी विकास के कार्य में जो पिछली सरकार जो की थी। अब मेन समस्या यही है, 4 साल से तो ये पूरा रोड यहाँ हम लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा अभी थोड़ा सा तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाना है, और जैसे ही सूखा तो पूरा धूल ही धूल है यहाँ, उसके सिवा कुछ नहीं है इधर। अब ये सरकार के बस का कोई काम ही नहीं है कुछ कर पाना। जी, परिवर्तन तो जरूरी है कि जो आजिश मोड़ के कार्यकाल में देखे थे हमने विकास, वो विकास सिर्फ नाम का रह गया है। तो टाटीबंध चौक का तो काम चल रहा है ना? काम चल रहा है पिछले 5 साल देखो, इसी चौक पे विकास मरे जा रहे हैं। जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार, तो यहाँ पर बेशरम के पौधे लगाए थे। आज 5 साल बाद देख लो हाल वही है, सरकार कांग्रेस की है। कल भाजपा सरकार होती तो अभी तक बन जाती। विधायक जी के बारे में कुछ? विधायक अच्छे हैं, अच्छा है जो कार्य कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन विकास के ऊपर विषय में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। तो इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा का कुछ लाभ मिला आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। धूल मिट्टी पानी और दबंग चल रहा है। अगर कोई राजनीति लेके कोई बात को उजाना लेके जाते हैं थाने में तो वो भी कोई सुनाई, काम भी नहीं होता, सुनाई भी नहीं होता। अगर आपको विकास चाहिए, काम चाहिए, तो बीजेपी चाहिए। अच्छा। और आपको ऐश करना है तो फिर आपको दूसरी पार्टियाँ चाहिए, अगर किसी को मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टियाँ। अगर विकास चाहिए तो आपको बीजेपी को लाना है। हमको राज्य से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस देश की तरक्की के लिए बीजेपी जरूरी है। आइए हम जानते हैं रायपुर पश्चिम की जनता से कि यहाँ के विधायक ने 5 साल में अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया। 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी ने कितना काम किया? काम तो ऐसे किया है, नहीं किया वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो अनियमित कर्मचारी है, हमारे लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया? हाँ, गंगा जल लेकर सब कसम खाई थी कि 10 दिन में परमानेंट कर देंगे बोल के। हम लोग तो 8 साल हो गया हमको ड्यूटी कर दे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार कितना आ रहा है भूपे से तो भरोसा है? कहाँ भरोसा है भैया, भरोसा तो हुआ ही नहीं है। गंगा जल के कसम खाए थे, भरोसा तो कहाँ, क्या किया बताइए ना। अनियमित कर्मचारी हैं हम लोग, अभी तक परमानेंट नहीं हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं इनका अनियमित कर्मचारी का परमानेंट नहीं हुआ है, ये उनका बयान आ रहा है अभी। आपका विधायक जी का कार्यकाल 5 साल में रायपुर पश्चिम में? पश्चिम विधानसभा में कार्यकाल 5 साल बिताने से बहुत 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 बेकार काम हुआ है, काम हुआ ही नहीं है। एक काम बता दो जो हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है जी। काम संबंधित देखो, बीजेपी कार्यकाल में हर सड़क वड़क बना, ओवरब्रिज बना, अभी ये टाटीबंध ओवरब्रिज बन रहा है वो कांग्रेस का है बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो आपके क्षेत्र में तो युवा विधायक है? युवा विधायक युवा होने से थोड़ी होगा भाई, काम कराने से होगा। तो क्या चाहते हैं आप आने वाले चुनाव में? चुनाव में आने वाले सरकार चेंज चाहते हैं बस। आप क्या चाहते हैं बड़े भैया? आप चुनाव के ऊपर है भाई, नहीं आप अपना बताइए। अब शासन तो ऐसा कांग्रेस का भी अच्छा है। हाँ। शासन में उनका गलत नहीं है, कार्य उन लोग भी किए हैं। अच्छा। अपने स्तर पे अच्छे हैं। हाँ। बस दुख इस बात का है कि निमितीकरण के जो वादा किया था। हाँ। वो वादा पूरा नहीं किया, इसी चीज़ का बस दुख है। ऐसे तो कार्य अच्छा ही लग रहा है। क्या लगता है आगामी चुनाव में आपको? आगामी चुनाव में कांग्रेस आएगा भाई। कांग्रेस आएगा? विधायक जी के कार्यकाल से खुश है? बहुत खुश है भाई। हम फुटपाथ में हमको दुकान दिया है, भोपाल में हमको दुकान दिया, हमको दुख चलाने दे रहा है, उसके राज में हम बहुत खुश है। अच्छा। हाँ, हमको एक नाराज है कि हमको बार बार हटा देता है, यही इसलिए हम उससे विनती करते हैं कि हमको हटाए मत, हम फुटपाथ में ही दुकान चलाते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग बयान आ रहा है, और कोई कोई भूपे से तो भरोसा में सहमत है, कोई असहमति जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ मैं मयंक रंजन, दबंग राजधानी रायपुर।